हाय दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आज के इस वीडियो में हम जिस प्रश्न को सोल्व करने वाले हैं वो है कि यदि कोई कर्मचारी ड्यूटी से अनुपस्थित होता है तो ऐसी कंडीशन में उसको अर्जित अवकाश में क्या नुकसान उठाना पड़ता है, उसका कंप्लीट जवाब आप इस वीडियो में पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये सवाल हमारे व्यूअर के कमेंट पर आधारित है। बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं जो इस प्रश्न को लेकर ऊहापोह की स्थिति में रहते हैं, तो उनके लिए आज यह वीडियो रामबाण साबित होने वाला है और उनके बहुत सारे कंफ्यूजन को आज हम सोल्व करने वाले हैं। उस प्रश्न को पहले एक बार आप देख लीजिए क्या है। ये क्वेश्चन हमने लिखा है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ड्यूटी से अनुपस्थित रहने से अर्जित अवकाश की कटौती की जाती है, क्या? यहाँ पे प्रश्न हमने दिया है, क्वेश्चन वाचक चिन्ह है, देख लीजिएगा। सवाल है कि यदि आप अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित रहते हैं, चाहे एक दिन हो चाहे 100 दिन हो, आप अगर अनुपस्थित रहते हैं तो क्या आपके अर्जित अवकाश में कटौती की जाती है? यहाँ पे बहुत बड़ा झोल है जो कर्मचारी को समझना चाहिए। कटौती तो होती है, लेकिन वहां पे उन्हें वो चीजें नहीं समझाई जाती है जो मैं आज आपको समझाने वाला हूं। पहले तो ये क्लियर हो गया है कि आप ड्यूटी से अनुपस्थित होते हैं और वो अनुपस्थिति अनऑथराइज होता है, यानी आप अपने सुपरवाइजर को बताए बिना ड्यूटी पे नहीं आते हैं, या छुट्टी सैंक्शन नहीं कराया आप नहीं आते हैं। अगर आप रेलवे एम्प्लॉई हैं तो आपको भली भांति जानकारी हो गई होगी कि यदि आपके खाते में छुट्टी नहीं है या है भी, तो HRMS में एक जो है कि LWP का भी ऑप्शन है। आपको अगर छुट्टी सैंक्शन नहीं कराया जाता है या छुट्टी सैंक्शन नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में आप EOL ले लीजिए और उसके बाद चले जाइए, नो वर्क नो पे की स्थिति होती है। यहाँ पे वो ही चीज है कि यदि आप ड्यूटी से अनुपस्थित हो गए हैं तो यहाँ पे कटौती तो होगी, लेकिन किस तरह होगी वो हम सोल्व करेंगे। पहली बात तो ये देखिए, यहाँ पे सवाल है अर्जित अवकाश के साथ। जैसे आपको CL मिलता है, वो आकस्मिक अवकाश है, उसको आप अर्जित अवकाश में नहीं जोड़ सकते। ये एक कैलेंडर ईयर के लिए एक मुफ्त आपको CL प्रदान की जाती है। चाहे आप वर्ष में 10 दिन की ही ड्यूटी क्यों न किए हैं, आपको आकस्मिक अवकाश मिलेगा, उसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं होती है। लेकिन यदि अर्जित अवकाश है, अर्जित अवकाश वो है कि यदि आप इस साल समाप्त नहीं कर पाते तो अगले साल यह क्रेडिट कर दिया जाता है। तो पहले हम इस चीज को समझते हैं अर्जित अवकाश का। दो तरह का अवकाश आपके खाते में जुड़ता है, एक होता है LAP और एक दूसरा होता है LHAP। इसको बिल्कुल बारीकी से समझिएगा। यह वर्ष में 2 बार 1 जनवरी और 1 जुलाई को 15-15 करके आपके खाते में क्रेडिट की जाती है, ठीक है। उसी तरह LHAP आपको 1 जनवरी और 1 जुलाई को 10-10 करके क्रेडिट की जाती है। यहां तक मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पहले इस चीज को समझते हैं। 2 बार जोड़ेंगे, एक तो 1 जनवरी को और एक 1 जुलाई को, ठीक है। अब यदि किसी व्यक्ति की नियुक्ति अगर 1 जनवरी के बाद होती है तो वहां हम दिन काउंट करते हैं, उस पर अभी हम नहीं जाते हैं, किसी अन्य वीडियो में इसको हम सोल्व करेंगे। यह मोटे अर्थों में समझना है इसको, ताकि हम इसको जो कटौती होती है इसको हम यहाँ पे आपका क्लियर कर पाए, ठीक है। और इसको यदि आप समाप्त नहीं कर पाते हैं तो अगले जो क्रेडिट होगा उसमें जोड़ दिया जाता है। मान लीजिए फिर अगले साल अगर क्रेडिट होगा, आपने इसको खर्च नहीं किया, तो यहाँ पे 30 पहले से है और 15 फिर जोड़ दिया जाएगा, फिर अगला होगा 15 जोड़ दिया जाएगा, यानी ये बढ़ता रहता है। उसी तरह LHAP के साथ भी होता है, यदि आपने इसको खर्च नहीं किया तो वो अगले वर्ष में क्रेडिट करता चला जाता है। और इसके अब यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए, LAP के जो है कि जमा करने की सीमा है, आप अधिकतम 300 छुट्टी जमा कर सकते हैं, उसमें 15 और एड कर सकते हैं, यानी 300 प्लस 15 यानी 315 छुट्टी पूरे सर्विस काल में आप क्रेडिट कर सकते हैं। वहीं LHAP के साथ कोई बाध्यता नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है, आप जितना क्रेडिट करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए होता क्या है, अब मैं आपको ये अनुपस्थिति को समझना है। अगर आप एक दिन भी अनुपस्थित हुए हैं तो आपके जो है कि छुट्टी खाते से कटौती की जाती है। यहाँ पे बहुत सारे कर्मचारी तो ऐसा कमेंट किए थे कि
कि हम अगर अब्सेंट हुए सैलरी भी गया छुट्टी भी गया, ऐसा नहीं है भाई। अगर आप अब्सेंट हुए हैं तो उस अब्सेंट के बदले जितना दिन आपने ड्यूटी नहीं की उस पीरियड का छुट्टी आपको नहीं मिलेगा। यानी देखिए, मान लीजिए 15 छुट्टी अगर आपको मिलता है एलएपी में, यानी ये छुट्टी आपको 180 दिन यानी 6 महीने के लिए आपको 15 एलएपी प्रदान की जाती है। और वहीं अगर एलएचपी की बात की जाए तो वो 10 एलएचपी 180 दिन यानी 6 महीने के लिए प्रदान की जाती है। 6 महीने में 180 दिन से ज्यादा ही होता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ उदाहरण समझने का प्रयास करना है। आप 180 दिन ड्यूटी करेंगे, इसके एवज में 15 दिन आपको एलएपी और 10 दिन आपको एलएचपी मिलता है, ठीक है। लेकिन यहां पे एक बड़ा सवाल यह होता है कि मान लीजिए किसी कर्मचारी के खाते में, एक उदाहरण से समझते हैं, जब हम मैनुअल लीव बैलेंस किसी कर्मचारी का क्रिएट करते थे तो वो इस तरह होता था। मान लीजिए अभी 2024 स्टार्ट हो गया है, फर्स्ट 2024 में अगर जो है कि बैक फॉरवर्ड हुआ है छुट्टी, एलएपी आया है मान लीजिए 200 एलएपी इसको मिला है, और उधर एलएचपी मान लीजिए 180 उसके खाते में क्रेडिट हुआ है। फर्स्ट जनवरी को हम इसके खाते में छुट्टी क्रेडिट करेंगे, 15 एलएपी अगर हम इनको जोड़ेंगे तो यहां पे 15 लिखते थे और यहां कितना हो जाता, तो टोटल 215 हो जाता था, ठीक है। उसी तरह एलएचपी अगर हम क्रेडिट करते, ये देखिए ये एलएपी है और ये एलएचपी है, ठीक है, तो 215 हो गया। इसमें भी 10 अगर हम क्रेडिट करते थे तो कितना हो जाता था, 190। फर्स्ट 2024 का है, अभी सेकेंड 2024 नहीं आया है। और छुट्टी हमेशा आपको एडवांस में मिलता है, ये भी ध्यान रखना है, एडवांस में यानी अगले 6 महीने के लिए छुट्टी हम आपको अभी ही दे देते हैं। एचआरएमएस में अगर आप कर्मचारी हैं, रेलवे कर्मचारी हैं, तो आपको पता होगा कि आपके डीलिंग क्लर्क के द्वारा आपका पीरियोडिक लीव क्रेडिट कर दिया गया है, मतलब आपके खाते में जो है कि 10 CL बाकी एलएपी वगैरह सब क्रेडिट कर दिया गया है, वो आप देख सकते हैं। तो हम ऐसा ही करते हैं, 10-15 एलएपी हम आपको एडवांस दे दिए, एलएचपी भी एडवांस दे दिए। अब सवाल यह होता है कि फर्स्ट जनवरी 2024 के बाद कर्मचारी अब्सेंट होता है, अगर इससे पहले ही वो अब्सेंट हुआ है तो भी हम काटेंगे। हम एक उदाहरण दे रहे हैं, मान लीजिए कोई कर्मचारी फर्स्ट जनवरी 2024 लीव क्रेडिट कर लेने के बाद अब्सेंट हुआ है, एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए वह 60 दिन अब्सेंट हो गया, 60 दिन अनुपस्थित हो गया, अनुपस्थित कितना दिन हुआ है, 60 डेज, 60 दिन अनुपस्थित हुआ, यानी 60 दिन आपने ड्यूटी नहीं किया। जब आप अनुपस्थित हुए हैं तो इसके बदले आपको सैलरी तो नहीं मिला है। अब यहां पे कंफ्यूजन होता है, ये सैलरी नहीं मिला वो बात अलग है, ड्यूटी आपने नहीं किया, नो वर्क नो पे हुआ, लेकिन इस पीरियड का आपको छुट्टी क्यों दिया जाए, यहां पे सवाल तो होता ही है। हम जो 15 छुट्टी आपको दिए वो अगले 6 महीना के लिए दिए, यानी 180 दिन आपको ड्यूटी करना है, इसमें आपका रेस्ट है, एनएच है, वो इंक्लूड भी है, ठीक है। रेस्ट है तो वो साप्ताहिक रेस्ट आपको मिलता है, वो ड्यूटी में माना जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए 60 दिन अगर कोई बंदा अब्सेंट हुआ है यानी उन्होंने ड्यूटी नहीं किया है, तो इसके बदले क्या है कि इनको इस पीरियड का छुट्टी तो नहीं देना है। 15 छुट्टी हम उनको 180 दिन का दिए हैं, अगर वो 60 दिन ड्यूटी नहीं आया है तो यहां पे जो इनका डेबिट होगा उनके खाते से जो हम माइनस करेंगे, वो एक नियम है कि अगर वो एलएपी है तो एलएपी में 110 का रूल लागू करेंगे, एलएचएपी में 1/18 का रूल लागू करेंगे, इस हिसाब से इनकी कटौती करेंगे। मान लीजिए फर्स्ट 2024 को हमने उसको 15 एलएपी दे दिया और उसके बाद जैसे ही छुट्टी हमने क्रेडिट किया उसके बाद वो बंदा अब्सेंट हो गया बिना छुट्टी सैंक्शन कराए, ठीक है, 60 दिन अनुपस्थित हुआ है। अब मान लीजिए अगर 1/10 करेंगे तो इनके खाते से कितना डेबिट किया जाएगा, अगर 1/10 का करने का मतलब है कि 60/10 करेंगे यानी 6, यानी इसके खाते से हमको कितना छुट्टी माइनस करना है, -6 छुट्टी हमको करना है, यानी जब वो ड्यूटी ज्वाइन करेगा उसके बाद हम उसके खाते से 6 LAP माइनस कर देंगे, यानी 215 है और उसमें 6 अगर हम माइनस करेंगे 209 LAP बचेगा। वही LHAP भी हम माइनस करेंगे उसके खाते से, LHAP 1/18 रूल लागू होता है, तो 60 दिन अगर वो बंदा अब्सेंट है तो 18 से आप इनको भाग दीजिए,
पहाड़ा पर ही 18 3 54 4 72 यानी अगर 3 हम देखते हैं तो 54 हो जाता, बाकी बचता है 6। मतलब अगर आधा भी यानी 9 भी होता तब हम उनको 0.5 यानी आधा एलएपी आधा एलएपी हम उनका डेबिट कर लेते, सॉरी आधा एलएचएपी हम हटा देते, ठीक है। लेकिन यहां पे देखते हैं कि 9 या 9 से कम है तो हम उसको छोड़ देते, 18 3 54 हो रहे हैं, यानी 3 एलएचएपी उनके खाते से हम डेबिट करेंगे, यानी 190 है तो बाकी कितना हो गया 3, अगर हम माइनस करेंगे तो 187 एलएचएपी उनके खाते में होगा। तो अब आपका कंफ्यूजन थोड़ा थोड़ा दूर हो रहा होगा कि यदि आप अब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, तो इसके बदले आपके खाते से छुट्टी नहीं ली जाती है, बल्कि उस पीरियड का छुट्टी आपके खाते में क्रेडिट नहीं किया जाता है। वो क्लियर हो गया। अब अगर बंदा ड्यूटी ज्वाइन किया, फिर अगर आने वाले समय में 10 दिन 12 दिन ड्यूटी करके उसके बाद फिर वो अगर 20 दिन अब्सेंट हो जाता है, मान लेते हैं 20 दिन अब्सेंट हो जाता है, तो इसके लिए भी वही रूल होगा, एलएपी के लिए 1/10 और एलएचपी के लिए 1/18 रूल लागू करेंगे। यानी अगर 20/10 करते हैं यानी 2, ठीक फिर वैसे ही करेंगे, माइनस 2 करेंगे तो 207 एलएपी उसके खाते में बचेगा। और उसी तरह अगर 20/18 करेंगे यानी -1 हम लेंगे तो 186 एलएचपी उसके खाते में होगा, ठीक है ना। और यदि आप यहां पे देखेंगे कि अगर आप इसको सैंक्शन करा लेते हैं, अब्सेंटी अगर रेगुलराइज हो जाता है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए यह बंदा अनुपस्थित है, 4 दिन अनुपस्थित हुआ, जो अपना लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी है बाद में कोई भी जेन्युइन कारण वो दिखाता है और उसकी अब्सेंटी को अगर छुट्टी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, देखिएगा कितना फायदा होता है। अब्सेंट थे तो आपको नुकसान हो रहा था, आपको उस पीरियड का छुट्टी नहीं मिल रहा था, लेकिन यदि आप इस पीरियड को रेगुलराइज कर देते हैं यानी अब्सेंटी पीरियड को आप एलएपी में अगर कन्वर्ट कर देते हैं तो 60 एलएपी आपके खाते से जो अर्जित अवकाश है उनमें से 60 एलएपी माइनस होता, यानी। और दूसरा क्या होता, इस एलएपी यदि आपने सैंक्शन करा लिया है तो इसके बदले आपको सैलरी मिलेगा, यानी ये छुट्टी में माना जाएगा और इसके बदले सैलरी मिलेगा। तो फायदा क्या होगा, यदि आप सैंक्शन करा लेते हैं तो 60 एलएपी माइनस होगा, बदले 60 दिन का क्या होगा, सैलरी आपको मिलेगा, पूरी सैलरी आपको प्रदान की जाएगी। तो इस तरह दोस्तों इस प्रश्न का जवाब मेरे ख्याल से सोल्व हो गया होगा कि ड्यूटी से कोई कर्मचारी यदि अनऑथराइज रूप से एब्सेंट होता है तो ऐसी कंडीशन में उसके खाते से छुट्टी डेबिट किया जाता है, लेकिन उस पीरियड का ही, जिस पीरियड की वो अब्सेंटी थी। तो यहाँ पे पूरी तरह हम नहीं कह सकते हैं कि अनुपस्थिति के लिए उनकी छुट्टी कटती है, पहले हम 15 छुट्टी जोड़ते हैं फिर उनके बाद माइनस करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ दोस्तों इसे दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदगी में मस्त रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।